रोगवा छेगा के तहत शहर और गांव के गायों को पकड़कर गौठान में लाकर बिना किसी व्यवस्था के ठूंसा जा रहा है, जिससे गौ माता की लगातार मौतें हो रही है। गौठानों में संख्या ज्यादा होने से ना पर्याप्त चारे की व्यवस्था है, ना शेड है। भरे बारिश में गाय बिकती हुई व्याकुल हालत में पाई गई। यह घटना रायपुर से लगे पश्चिम विधानसभा के अटारी ग्राम की है, जहां अव्यवस्था के चलते रोज गायों की असमय मृत्यु हो रही है। सरकार हरेली तिहार में गोबर न्याय का झिंडोरा पीटते जा रही है, वहीं दूसरी तरफ गौठानों की हालत ये सारा वीडियो बयान करने के लिए काफी है, जिसको देखते हुए भाजपा किसान मोर्चा के नेता गौरी शंकर श्रीवास ने मौके पे किसान मोर्चा के साथियों के साथ गौठानों में दबिश देकर मामले को उजागर किया, साथ ही कलेक्टर से मिलने का समय मांगा। बड़े शर्म की बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस बात का ढोल पीट रही है कि वो गौ वंश का संरक्षण के लिए काम कर रही है, अब गोबर खरीदेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 400 से 500 की संख्या में जबरन लाकर यहाँ पर गौ वंशों को ठूस दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके सामने है कि लगातार यहाँ पर गाय माता की मौतें हो रही है, कोई यहाँ पे जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, ना किसी प्रकार के भोजन की व्यवस्था है। ऐसे में किस तरीके से ये गौ वंश को संरक्षण करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर 400 से 500 की संख्या में पूरे बरसात में आप देख सकते हैं भी पानी गिर रहा है, जिसमें हम लोग खड़े हैं। भरे बरसात में गौ माताओं को यहाँ पर छोड़ दिया गया है, भगवान भरोसे यहाँ पर छोड़ दिया गया है। कोई देखरेख करने वाला नहीं है, ना यहाँ पर कोई चिकित्सक की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सरकार ने सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए और ब्रांडिंग करने के लिए गौ माताओं को एक बड़ा अस्त्र के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और ये सबसे बड़ी राजनीति का क्षरण जिसको कहूंगा छत्तीसगढ़ सरकार की, जो उसको सार्थकता प्रदान कर रही है। आज इस पूरे आप देखेंगे यहाँ पर जिस प्रकार का ये गौठान दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं जिससे गौ वंश संरक्षित रहे। लगातार रोज यहाँ पर मौतें हो रही है, कोई यहाँ पर पूछने वाला नहीं है, ना किसी प्रकार से कोई सरकार का आदमी यहाँ पर आ रहा है, और चारे की ना खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी कारण लगातार यहाँ पर गौ वंश हताहत हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से भूपेश सरकार की है, प्रशासन में बैठे लोगों की है, जो यहाँ पर हरेली त्योहार में गोबर न्याय योजना चलाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर गौ माता की हत्या हो रही है। ये हत्या का पूरा श्रेय जाता है सरकार को जाता है, भूपेश बघेल जी को जाता है, जिन्होंने गौ माता के नाम से इस प्रदेश में गौठान बनाकर लगातार यहाँ पर हजारों की संख्या में गायों को हताहत किया है। और ये चीजें अगर अनवरत नहीं रुकेगी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और भाजपा किसान रोका छेका के नाम से किस तरीके से गौ वंशों की यहाँ पर, मैं तो कहूंगा, खुलेआम हत्या की जा रही है। इस बात को खुलेआम प्रत्यक्ष रूप से हम लोग देख रहे हैं। अभी बारिश हो रही है, पूरे खुले में यहाँ पर गौ वंश को छोड़ दिया गया है, ना चारे की व्यवस्था है, लगातार गायों की मौतें हो रही है। और सरकार अपने त्यौहार मनाने की तैयारी में जुटी हुई है। किस तरीके का त्यौहार, कैसा जश्न मनाया जा रहा है, ये लाशों पे, गौ वंश की लाशों पे क्या सरकार जश्न मनाएगी? किसी प्रकार के ना चिकित्सक की व्यवस्था है, ना कोई यहाँ पर शेड की व्यवस्था है। पूरी गायों को लाकर शहर से लाकर ठूस दिया गया है और भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। ऐसा लगता है कि सरकार ने कहीं ना कहीं गौ वंशों को खत्म करने का एक बड़ा साजिश रचा है। और इसी तारतम्य में यहाँ पर हम लोग आए हैं देखने के लिए, इस पूरे गौठान का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पर जो अवस्था है इसको जिलाधीश और सरकार तक हम लेकर जाएंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जब तक यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है, ये इस प्रकार की ब्रांडिंग सरकार। हाँ, मेरा जैसे मैं जिस हिसाब से मैं यहाँ देख रहा हूँ, उस हिसाब से तो यहाँ व्यवस्था केवल लोग बोलते हैं उसके हिसाब से, पब्लिक ना बोल दे करके गौ रखते हैं बाहर में, ढीलते हैं। उससे अच्छा तो गौ बाहर में ही है, यहाँ अंदर में रखना तो कोई कैद में है, गौ माता को कैद में किया जा रहा है यहाँ। ये धर्म का हासी कहा जाए एक प्रकार से, क्योंकि गौ हमारी माता है। गौ माता को हम लोग अपने माता को समाज, अपने माता को कैसे रखते हैं, अपने पुत्र के समान वो कैसे रहती है। इस प्रकार से भावना जब नहीं है तो यह तो वही है कि गौ सेवा के नाम से फिर नजर में देखते रहो, कौन क्या बोलेगा। हम लोग तो धर्मावलंबी है, धर्म के बाद देखते हैं हम लोग तो। यहाँ की अवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? यहाँ के व्यवस्था तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि गौ सर्प खतरे में है, गौ माता यहाँ, क्योंकि उसको बारिश के खुले में घूम रही है, चारा खा भी नहीं रही है ढंग से। जो बड़ा सांड है वो सबको भगा दे रहा है, तो उसके डर से कई लोग भूखी पड़ी बाहर में घूम रही है, कोई भूखी यहाँ बाहर में है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, वो भी ऐसे खुले में पड़ी है। और क्या कहा जाए, लगातार जो मौतें हो रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लगातार मौतें यही है, अव्यवस्था का कारण है। इसको सरकार को अच्छे से देखना चाहिए कि अपना भोजन मत करो, गौ को खिलाओ, तब तो माना जाएगा कि हाँ भाई सरकार है और हमारे धर्म है यहाँ भारत में। अब तुम अपना खाना खाते हो, गौ के नाम से बोलते हो, बस इतने से काम चल जाता है, पब्लिक भी कोई देख रहे नहीं आती यहाँ।
सरकार दावा कर रही है कि वो गोबर खरीदेगी और गोबर खरीदने के बाद गौ वंश को संरक्षित करेगी, क्या ये सार्थक होता दिख रहा है आपको? नहीं, गोबर खरीदेगी वाली बातें नहीं है, गोबर का नीलाम हो जाएगा। गांव में गोबर का नीलामी होता था पहले, वैसे गोबर का नीलामी सरकार को आसान है, लेकिन ये है कि गौ का व्यवस्था किस प्रकार से, उसका खाना का व्यवस्था, गोबर तो कहीं से भी मिल जाएगा, खाद कहीं से भी बन जाएगा। क्या किसान अपना वैसे भी खाद बनाते हैं अपने खुद के लिए, सरकारी खाद अगर गोबर से जाए तो कोई बड़े भारी बात नहीं होगा। इसमें होगा बात यही कि गौ का चारा का व्यवस्था के बारे में पहले खाने का व्यवस्था करो, फिर उसके गोबर का बात करना। पहले जो भूखा है वो क्या गोबर देगा, पहले गोबर की व्यवस्था को छोड़ करके सरकार को उनके अमृत भोजन का करना चाहिए। भोजन नहीं, अमृत भोजन, तब तो कहा जाएगा कि हमारा छत्तीसगढ़ या हमारा भारत गौ माता का भक्त है, कहने से नहीं होता है। मैं यहाँ नहीं, पूरा भारत में घूमता हूँ, हर जगह में ही देखता हूँ, लेकिन यहाँ आंखों देखा जो हाल आज से नहीं, मैं बहुत दिन से भी देख रहा हूँ कि गौशाला की व्यवस्था जरा भी नहीं है। गौ सेवा के नाम से हमेशा यही ढोंग होता है, यही राजनीतिक होती है, कोई गौ के बारे में कोई। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें IDP24 न्यूज, और हाँ, यूट्यूब में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।